सोना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल तंवर भी लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सोना से बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तंवर ने सोहना के कई इलाकों में प्रचार किया और कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तेजपाल तंवर ने कहा कि न सिर्फ सोहना विधानसभा सीट बल्कि गुरुग्राम की सभी चार सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। तेजपाल तंवर ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है जबकि बीजेपी ने पूरे प्रदेश का समान विकास किया है। तेजपाल तंवर ने कहा है कि उन्हें 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। पहले गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में कई समस्याएं थी लेकिन अब उन समस्याओं को खत्म कर दिया गया। तेजपाल तंवर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ गुमराह करती है और झूठे दावे करती है जबकि बीजेपी की सोच और विजन विकास का है। पूर्वांचल जन कल्याण संघ से सुजीत जी, मनोज उत्तम जी और मुकेश जी, कौन से गर्ग जी और शिवराज जी, शिवचंद जी बनाएंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा वोट इसी मारुति कुंज क्षेत्र से आपको मिलेंगे। तो सोना से तेजपाल तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और तेजपाल तंवर जहां भी जा रहे हैं उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। पूर्वांचल जन कल्याण संघ से सुजीत जी, मनोज उत्तम जी और मुकेश मारुति कुंज में किए, रियान में किए, गोवर्धन कुंज में किए, अभी शाम को बहुत भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है, पूरा आश्वासन मिल रहा है, सब लोग मेरे साथ रहेंगे। 100% यहाँ पे बहुत अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है। बीजेपी को सारा फायदा, बीजेपी को तो फायदा ही फायदा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, 100% कोई नहीं रोक सकता।